देश भर की अधिकांश मंडियां छुट्टियों के बाद अब खुल चुकी हैं। इससे सोयाबीन की आवक मंडियों में बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिससे प्लांटों में खरीदी भाव में कटौती की गई है। आपको बता दें कि प्लांट खरीदी भाव घटकर 5250 से 5325 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। उधर सोया तेल में भी ग्राहकी का सपोर्ट न मिलने से भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोया तेल इंदौर घटकर नीचे में 1315 रुपये तो ऊपर में 1320 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। दूसरी ओर रूस द्वारा काला सागर के रास्ते से एक्सपोर्ट कॉरिडोर डील रद्द करने के कारण वैश्विक बाजारों में एकाएक मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके घरेलू बाजारों में दामों के ऊपर गिरावट का असर है। दरअसल रूस के काला सागर निर्यात सौदे से हटने के कारण विश्व खाद्य तेल की सप्लाई प्रभावित होने की संभावनाओं के चलते सोमवार को KLC में 4% से अधिक का उछाल देखने को मिला। वहीं शाम तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं सीबोर्ड सोया तेल में भी मजबूती रही। अब माना जा रहा है कि इंडोनेशिया अक्टूबर महीने के लिए निर्यात और उत्पादन आंकड़ों पर भी फोकस करेगा और आगे चलकर खाद्य तेलों की कीमतों में नवंबर के महीने में थोड़ा दबाव बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।